हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रा एक्स एक्ट और हम लोगों का चल रहा है बेसिक सीरीज, और बेसिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं तमाम मेनूज के बारे में, और हम लोगों का चल रहा है इस वक्त बिटमैप मेनू। तो बिटमैप मेनू के कुछ ऑप्शंस के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था, और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिटमैप मेनू से इमेज एडजस्टमेंट लाइव के बारे में। दोस्तों बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, और उसके साथ ही साथ कुछ और भी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब भी हम इमेज पर वर्क कर रहे होते हैं, या किसी भी वर्क में या किसी भी डिजाइनिंग में जब हम किसी भी इमेज को लगाने की कोशिश करते हैं और उसे थोड़ा मोड़ा जो है टचअप करना होता है, सेट करना होता है, तो इन दोनों ही ऑप्शन का हमें बहुत ही ज्यादा यूज करना होता है। तो दोस्तों इसे प्रॉपर तरीके समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोरल ड्रॉ पे और देखते हैं इस ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा कोरल ड्रॉ एक्सेट, और यहां पर हमने एक नॉर्मल सी इमेज जो है ओपन कर रखी है, इंपोर्ट करके ला रखा है, और इसी पर जो है हम बिटमैप के इन ऑप्शन को समझेंगे। तो जैसा कि बताया जा चुका है कि यहां पर जो है हम इमेज को ही बिटमैप के नाम से हम जान रहे हैं, तो बिटमैप को एक्चुअली जब इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे तभी जाकर के बिटमैप के सारे ऑप्शन काम करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो यहां तक जो ऑटो एडजस्टमेंट है, यहां तक जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इमेज एडजस्टमेंट लैब के बारे में और स्टेटन इमेज के बारे में। तो इन दोनों ही ऑप्शन का हम अच्छा खासा यूज करते हैं। तो जैसे अगर इस इमेज के अंदर कोई कलर वगैरह या फिर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह या कुछ भी अगर हम अपने मुताबिक सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होता है बिटमैप से जो है इमेज एडजस्टमेंट लैब के अंदर जाना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर ये ऑप्शन आ जाता है इस तरीके से। तो यहां पर जो फर्स्ट है ये इमेज को रोटेट करने के लिए आता है। जैसे कि मान लीजिए इसको अगर हम रोटेट करते हैं तो ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टी दिशा में ये जो है उल्टा होगा, और उसके बगल में जो है ये क्लॉकवाइज होता है इस तरीके से। तो इन दोनों को ही हमें इमेज को रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है, कि अगर कोई भी किसी भी इमेज को अगर रोटेट करने की जरूरत है तो इन दोनों ऑप्शन को हमें यूज करना होता है। और उसके बाद जो है ये पेन टूल है, इसका यूज हम जब करते हैं कि जब हम इस इमेज को जूम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जूम टूल है, जूम ये प्लस है और जूम ये माइनस है। जूम इन करने के लिए इसका शॉर्टकट की जो है जो F2 है, और जूम आउट करने के लिए इसका शॉर्टकट की जो है F3 है। तो इसका शॉर्टकट की भी हम यूज कर सकते हैं। तो जस्ट में से मान लीजिए अगर हम जूम प्लस को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहां पर जब हम जूम प्लस करते हैं तो इस तरीके से इमेज का कुछ हिस्सा ढक जाता है, और किसी प्रॉपर इमेज पर अगर हमें काम करना है, किसी प्रॉपर हिस्से पर काम करना है, तो हम जो है इस पेन टूल का यूज करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से हम जो है उस हिस्से को अपने सामने ला करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस पेन टूल का यूज होता है। और उसके बाद अगर हमें इसे जूम आउट करना है तो हम ये जूम आउट पर क्लिक करेंगे, और यहां से क्लिक करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो है हम इस तरीके से जूम आउट कर सकते हैं। और किसी खास हिस्से को अगर हमें जूम इन करना है, जैसे मान लीजिए लिप्स को अगर हमें फ्रंट पे लेकर के आना है, तो यहां से जूम इन को सेलेक्ट रखते हुए हम इस तरीके से माउस बटन को क्लिक रखते हुए इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे, तो इतना हिस्सा जो है जूम इन होकर के आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद जो है थोड़ा मोड़ा इधर उधर करना है तो आपको इस तरीके से पेन टूल के माध्यम से आप इधर उधर करके आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करना है तो आप माइनस को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से जो है सेट कर लेंगे। और उसके बाद जो है ये है डिस्प्ले एंड इमेज टू फिट इन द विंडो। तो इसके लिए जो है शॉर्टकट की F4 होता है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें जूम इन कर रखा है और आपको एग्जैक्ट चाहिए कि बिल्कुल ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो आप जस्ट सीधा ही आप यहां से इस टूल को यूज करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ये एक्चुअल इमेज साइज के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और उसके बाद जस्ट जो है यहां पर जूम करके देखने के लिए जो है आप इस पर क्लिक करेंगे तो होगा, या फिर Ctrl+1 आप क्लिक करेंगे तो ये जो है बिल्कुल भी 100% जूम इन हो जाएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल भी 100% जूम हो गया है। और उसके बाद जो है पेन टूल के माध्यम से जो भी हिस्सा फ्रंट पे लेकर के आना है आपको, वो हिस्सा फ्रंट पे लेकर के आ सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो है मान लीजिए थोड़ा सा हम इसके अंदर जूम आउट करते हैं इस तरीके से। मान लीजिए इसके अंदर हमें कुछ सेटिंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा और हम करते हैं इस तरीके से,
और उसके बाद अगर हमें कुछ सेटिंग करने की जरूरत है तो उसके बाद यह होता है डिस्प्ले यानी कि प्रीव्यू, कितना आपको देखना है। तो अगर ये फुल पर रखेंगे तो ये फुल प्रीव्यू के लिए है, और उसके बाद जो है ये बिफोर एंड आफ्टर फुल प्रीव्यू के लिए है, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ जो होता है ये आपका ओरिजिनल इमेज दिखाता रहेगा, और राइट की तरफ जो है जो भी आप चेंजिंग करेंगे वो चेंजिंग यानी कि जो फर्क पड़ेगा वो इस तरफ दिखाई देगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आप इसको मान लीजिए थोड़ा सा इधर लेफ्ट राइट करते हैं, हमने इस पर किया तो ये जो चेंजिंग आया वो आप देख सकते हैं वो इधर आया और ये जो है ओरिजिनल इमेज दिखाई दे रहा है। तो जस्ट आप लेफ्ट राइट करके आप ये देखना चाहते हैं कि कितना चेंजिंग हुआ, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम इसको हटाते हैं और हम एक्चुअल देखते हैं कि कैसे क्या यूज होगा। ये जो है बिल्कुल भी फुल पे करते हैं, और उसके बाद जो ये है वो एक ही इमेज पर इस तरीके से 50-50% अलग अलग करेगा। जैसे मान लीजिए आप इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, जस्ट बिल्कुल लाइन पर लेकर के जाएंगे तो आप इसको बिल्कुल भी इस तरीके से आधे आधे पर कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसको सेंटर में करते हैं इस तरीके से। इस तरीके से करने के बाद क्या होगा कि जब भी आप इस पर कोई भी इफेक्ट डालेंगे तो राइट की तरफ जो है वो इफेक्ट नजर आएगा और लेफ्ट की तरफ जो है एक्चुअल ओरिजिनल इमेज आपको नजर आएगी। जैसे हम देखते हैं इस तरीके से इसको थोड़ा सा कम करते हैं या फिर लेफ्ट की तरफ लेकर के आते हैं, तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जो भी फर्क आया वो आपके राइट की तरफ आया और जो ओरिजिनल इमेज है वो आपके लेफ्ट की तरफ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से इसका फर्क नजर आता है, और काफी जगह आप इस तरीके का इंटरनेट वगैरह पे देख सकते हैं, फोटोशॉप वगैरह की इमेज को देख सकते हैं, कोरल ड्रा वगैरह की इमेज को देख सकते हैं, जो प्रभाव पड़ने के बाद कैसा नजर आ रहा है वो आपको इस तरीके से नजर आता है। तो ये एक्चुअली प्रीव्यू के लिए है, ये ऊपर के तीन विंडो कैसा आपको नजर आना है कैसा देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर रिसेट करना है तो आप यहां से रिसेट टू ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल में आ जाएगा। तो आपको प्रीव्यू कैसा देखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर हम फुल प्रीव्यू पर करने के बाद या फिर हम 50% करने के बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, तो सारी चेंजिंग करने के लिए आपको यहां से एडजस्ट करना होता है, या फिर इसके जो प्रोफेशनल्स हैं जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उन लोगों ने ऑलरेडी इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग किया हुआ है, यानी कि उनके तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट देने के बाद वो लोग ऑटो एडजस्ट मोड में डाल देते हैं। तो यहां से जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटो एडजस्ट पर, तो जो इसका ऑटो हो सकता है जो बेस्ट हो सकता है उतना एडजस्ट करके आपके सामने ला सकता है, ला देगा, जो आप देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट से राइट को मैच करके देख सकते हैं कितना चेंजिंग आया है। तो बिल्कुल एक बेहतर लुक आया है। अगर ये नहीं चाहिए आपको तो यहां से जो है आप इस पर रिसेट ओरिजिनल पर कर देंगे तो ये रिसेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एडजस्ट करना है सब कुछ अपने अकॉर्डिंग तो आप यहां से जो है एडजस्ट कर सकते हैं इसको लेफ्ट राइट करके, यानी कि टेम्परेचर कितना चाहिए आप इसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है आप इसको चेंज कर पाएंगे। मान लीजिए थोड़ा डार्क चाहिए इस तरीके से तो हम टेम्परेचर को कम करेंगे। उसके बाद टिंट है, इस यहां से कलर में परिवर्तन नजर आएगा आपको इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो कितना आपको चाहिए, कौन सा कलर आपको सूट करता है, कौन सा कलर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सूट करता है, ये सब कुछ जो है हम जिस जगह इमेज को लगाते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है ये सब कुछ जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके नीचे जो है ये है सेचुरेशन, ये अगर बिल्कुल कम कर देंगे तो इमेज जो है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर नजर आएगी इस तरीके से, और जब आप इसको आगे लेकर के जाएंगे तो कलर जो है ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं कलर और डार्क होता हुआ नजर आएगा इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। और उसके नीचे जो है ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह ये सारी चीजें जो है हम इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं हमें कितना ब्राइटनेस चाहिए कितना कॉन्ट्रास्ट चाहिए ये सारा कुछ जो है हम यहां से मेंटेन करके इमेज को एक बेहतर लुक जो है दे पाते हैं। उसके बाद हाईलाइट्स वगैरह है, उसके बाद जो है शैडोज वगैरह में हमें कितना रखना है ये सब कुछ जो है आप मेंटेन कर पाएंगे। मिड टोन वगैरह को जो है आप इस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए एक्चुअली ये इमेज ऑलरेडी एक खूबसूरत इमेज थी, इसके अंदर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बट चूंकि हमें ऑप्शन को समझना था इसलिए इन सभी ऑप्शन को हमने यूज किया। और उसके बाद अगर ये सेटिंग आपको सही लगती है तो आप यहां से ओके करेंगे तो यही सेटिंग बिल्कुल इस पे एग्जैक्ट जो है अप्लाई हो जाएगी। जस्ट आप ये देख सकते हैं बिल्कुल वही की वही सेटिंग इस पे अप्लाई हो गई है। अगर नहीं चाहिए कंट्रोल जेड कीजिए वो बिल्कुल वापस उसी पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है इस लैब का यूज होता है, और ये ऑप्शन जो है आपको फोटोशॉप के अंदर भी मिलता है तो यहां पर भी आपको मिल जाता है। तो अगर कोरल ड्रॉ के अंदर इमेज को एडजस्ट करना है तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो आता है
स्टेटन इमेज। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक्चुअली इमेज के एंगल्स को कुछ मूव करने के लिए, कुछ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज होता है। तो यहां पर बाकी के जो ऑप्शन है बिल्कुल उसी तरीके से हैं जो आप लोगों ने पिछले ऑप्शन के अंदर देखा। जैसे कि इसको हम अगर जूम इन करते हैं तो इसको जो है यहां से हम इधर उधर करने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि अभी जो था इसके अंदर जूम इन ही ऑप्शन सेलेक्ट था इसलिए ऐसा हुआ है। और उसके बाद जो है हैंड टूल को सेलेक्ट करते हैं तो इधर उधर कर सकते हैं। और उसके बाद मान लीजिए हम जूम इन करते हैं तो यहां से जो है इसके एंगल्स को आप जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर का जो है वो करेक्ट लेंस डिस्टॉर्शन है, जब आप इसको बढ़ाएंगे तो लेंस में फर्क पड़ता है, थोड़ा सा प्रोसेस हुआ करेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा करेगा, इसका आप ध्यान देंगे, तुरंत ये नहीं होगा क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग का वर्क है ये। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं लेंस वर्क किया है। और उसी प्रकार नीचे रोटेट इमेज है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से रोटेट होगा, तो किसी भी एंगल में अगर आपको इमेज को रोटेट करना है तो इस तरीके से आप रोटेट भी कर सकते हैं। और उसके नीचे जो है हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव आता है, जैसे कि पर्सपेक्टिव हम लोगों ने देखा था पिछले अध्याय में, तो उस तरीके से ये चेंज करेगा एंगल को। तो उससे पहले हम पहले ये रोटेशन को जो है जीरो करेंगे, तब इसका प्रॉपर तरीके से नजर आएगा पर्सपेक्टिव वगैरह। तो पहले ये ऑप्शन को कंप्लीट हो जाने देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या इसमें प्रभाव आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो पहले हम रोटेट को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि प्रभाव नजर आए, और यहां से जो है हम इसको भी नॉर्मल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस को हो जाने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। इस तरीके से आप पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव हो गया और ये जो है वर्टिकली पर्सपेक्टिव है। जब आप इसको बढ़ाएंगे तो एक अलग लुक बन करके आएगा इसका, अभी जस्ट देखेंगे आप इसका प्रभाव नजर आएगा। इस तरीके से ये पर्सपेक्टिव वर्टिकली काम करता है और हॉरिजॉन्टली काम करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। और यहां से ग्रिड वगैरह बढ़ा घटा सकते हैं, जब ग्रिड जैसे अगर बड़ी इमेज है तो ग्रिड ज्यादा से ज्यादा रहेगा, तब जो है जो इफेक्ट आएगा वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नजर आएगा। तो इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं। और ये जो है क्रॉप इमेज है, अगर आपको क्रॉप करना है तो इस तरीके से जो है आप इसको ऑन करके रखेंगे तो इमेज को क्रॉप करेगा, अगर आप इसको जो है अनचेक कर देंगे तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी इमेज पर वो प्रभाव नजर आएगा, क्रॉप नहीं करेगा। अगर आपको क्रॉप करना है तो यहां से आप इसको चेक मार्क करके रखेंगे तो ये क्रॉप करेगा, और उसके बाद जो है इसी एंगल में आप जब ओके कर देंगे तो इमेज को जो है उसी एंगल में लेकर के आ जाएगा। तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका आपको ध्यान देना होगा, समय देना होगा, और ये इसके जितने भी टाइमिंग्स वगैरह है ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, वो आपके रैम पे डिपेंड करेगा, प्रोसेसर के स्पीड पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अब ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे हाई लेवल के ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आते हैं, तो कोई भी हाई लेवल का जो ग्राफिक डिजाइनिंग है वो करने के लिए आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है जो वो बेहतर होना चाहिए। सो इस तभी जाकर के आप जो है बेहतर ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। सो हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस उसी कंडीशन में आते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इन दोनों ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर जाना इमेज एडजस्टमेंट लैब के बारे में, यानी कि इमेज के कलर्स वगैरह को अगर एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो हम यूज करेंगे इमेज एडजस्टमेंट लैब को, और अगर उसके एंगल्स वगैरह को थोड़ा मेंटेन करना है तो हम यूज करेंगे स्टेटन इमेज को। तो इस तरीके से इमेज को यूज करके, तो इस तरीके से इन दोनों ऑप्शन को यूज करके हम इमेज को एक बेहतर अपने अकॉर्डिंग खूबसूरत लुक दे पाएंगे, और एंगल्स वगैरह में रखने के बाद जो है हम अपनी जहां पर भी रिक्वायरमेंट जैसी है वैसे इसको सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों ही ऑप्शन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट पे बताएं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस चैनल पर बार बार आकर के और बार बार वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।